इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे और आप परिवार सहित स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे। तो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए देखिए, हमने एक भिन्न इस तरह से ले लिया है। देख रहे हैं, इसमें लिखेगा सात सही एक बटे सात, धन देखिए सात सही एक बटे सात, और यहाँ देखिए सात सही एक बटे सात। इस तरह से आप देख रहे हैं लिखा गया है एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो इतनी बड़ी भिन्न है, तो इस भिन्न को आपको सरल करना है। तो आप इसको कैसे सरल करेंगे? तो सरल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, बड़े सरल ढंग से करेंगे इसको। इसको सरल ढंग से कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले सही बटे को सब एक साथ, जो सही बटा हम लगाए, जैसे देख रहे हैं सात लगा है, तो हम सात को क्या करेंगे, सभी सात को प्लस कर लेते हैं। तो देख रहे हैं सभी सात कितने हो रहे हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं सात धन सात धन सात धन सात धन सात धन सात, तीन तीन छः एक सात हो गया, सात हो गया। इसके बाद आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, अब इसे लिख देंगे कि एक बटे सात धन एक बटे सात धन एक बटे सात धन एक बटे सात धन एक बटे सात, दो तीन पाँच, दो और लिखना है। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब इसको देखिए जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं सात कितनी बार आया है, सात बार आया है, तो आप इसको लिख सकते हैं सात गुणे सात। और देखिए यहाँ पर ये भी सात बार आया है, तो इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको इस तरह जोड़ भी सकते हैं। सबका हर बराबर है, तो जोड़ देंगे कितना जाएगा, किया जाएगा सात बटा सात हो जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सात सते ये हो जाएगा उनचास, और देखिए यहाँ सात में सात कट जाएगा, आ जाएगा एक, और आपका आंसर आ गया पचास। ऐसा करते हैं कि ऐसी भिन्नों को आप बड़े सरल ढंग से हल कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक भिन्न और है, देखिए इसमें हम लिए हैं कि एक बटे बारह, पाँच बटे चौबीस और एक बटा बीस धन एक बटा छत्तीस। तो अब इस भिन्न को आपको सरल करना है, तो इस भिन्न को सरल करके आपको जोड़ना है। तो आप देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए आप इसका लसा ले सकते हैं। तो जब आप लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं बारह है, चौबीस है, बीस है और छत्तीस है। तो सबका अगर लसा लेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा सात सौ बीस। आप यहाँ लिख देंगे 720। अब 720 में आप 12 से भाग करेंगे तो 12 छः 72 60 आ जाएगा, 60 का गुणा एक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। यहाँ पर लिख देगा ये हो गया 60। इसी तरह से देखिए जब 72 में आप 24 से भाग करेंगे तो 24 तीन 72 30 आएगा, 30 का गुणा 50 में कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। इसी तरह देखिए इसमें करेंगे तो आ जाएगा 36, 36 हो जाएगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आप जब 36 में दो का करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखिए 36 में 36 दुना 72 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, अब सबको ऐड कर लेना है। जब सबको ऐड करें कैसे लिखेंगे, अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख देंगे कितना, देखिए जोड़िए यहाँ पर 6, यहाँ लिख देंगे 6, फिर देखिए 2 3 5 5 5 10 10 6 16, और इसके बाद एक हाँसी लिया तो एक एक दो, ये हो गया 266 बटे 720। इसको आप सरल करना चाहें सरल कर सकते हैं। तो देखिए जब सरल करें कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि
ये हो गया। दो से देखिए डिवाइड करिए, तो दो से डिवाइड करेंगे, दो एक कम दो, दो तियाई छः, दो तियाई छः, और नीचे आ जाएगा दो तियाई छः और दो छके 12, आ गया 360, 133 बटे 360। अब देख रहे हैं 133 और 360 ये किसी भी संख्या से अब डिवाइड होने वाली नहीं है, तो इसलिए आपका भिन्न कितना आ गया 133 बटे 360। और 133 बटे 360 में देख रहे हैं इसका अंश 133 है और हर इसका 360 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 133 छोटा है 360 से, इसलिए आप इसमें इसको सही बटा में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे का हर बड़ा है और अंश छोटा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया 133 बटे 360। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक भिन्न इस तरह की दी गई है कि 1/3 ÷ 4/33। देखिए आप इसको कैसे सरल कर सकते हैं, तो आप देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं बिना लस लिए ही। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, अगर हम यहाँ 33 लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, अगर हम 1 में 11 का गुणा कर दें और 3 में 11 का गुणा कर दें और इसको हम 4/33 लिख देते हैं। फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 11 के 11 हो गया और 11 तियाई 33 हो गया, और यहाँ देखिए ये हो गया 4/33 हो गया। अब आप क्या करेंगे, देख रहे हैं दोनों का हर बराबर हो गया, तो आपको इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ 33 लिख देंगे और 33 लिख देंगे और देख रहे हैं अब हर जब बराबर है तो हम दोनों संख्याओं को सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना हो गया ये, अब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 4 = 15, 15/33 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।